हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रेश एजू। सो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे स्कॉलरशिप एग्जाम 2021-22 के लिए स्टैंडर्ड 8th के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, जिसका आज हम एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल सीखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो स्टूडेंट, व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स? द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ अ वर्ड इज डिटरमाइंड बाय इट्स यूज ऑफ फंक्शन इन द सेंटेंस। जैसे कि जो ग्रामेटिकल फंक्शन होते हैं वर्ड के, तो ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा फंक्शन किसके लिए यूज होता है सेंटेंस में। जैसे कि कभी कभी सेंटेंस में एडजेक्टिव होते हैं, वर्ब होते हैं, एडवर्ब होते हैं, नाउन होते हैं, इवन कभी कभी होमोफोन्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। तो स्टूडेंट, अब ये सभी सीखते आए हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से होते हैं, फिर आपने होमोफोन्स भी सीखा होगा। तो ये जो कुछ फंक्शंस है, ग्रामेटिकल फंक्शन इन्हें कहते हैं, तो ये एक डिटरमाइन करते हैं कि इसका यूज वो सेंटेंस में क्या है। ओके, द वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच बाय चेंजिंग देयर फॉर्म्स बाय एडिंग प्रीफिक्स और सफिक्स और द न्यू वर्ड कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सभी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो इनके फॉर्म चेंज हो जाते हैं इन्हें प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ने के बाद। ओके, जैसे कि अगर आपने फिफ्थ स्टैंडर्ड में स्कॉलरशिप की एग्जाम दी होगी, तो आपको पता होगा कि प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्या होते हैं। ओके, तो इन्हें कुछ वर्ड होते हैं, प्रीफिक्स मतलब जो रूट वर्ड होता है, इसे पहले कुछ अक्षर या कुछ लेटर लगा के जो नया जो वर्ड फॉर्म अप होता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। एंड सफिक्स क्या होते हैं कि जो जो रूट वर्ड होता है इसके बाद कुछ लेटर्स ऐड करने के बाद जो नया मीनिंगफुल वर्ड वहां पे फॉर्म अप होगा, तो उसे सफिक्स कहते हैं। ओके, और या फिर कभी कभी जो न्यू वर्ड होता है ये कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। ओके, तो किस तरह होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स। ओके, तो नाउन्स कैसे फॉर्म होते हैं, जिन्हें हम सफिक्स ऐड करते हैं। व्हाइल कन्वर्टिंग वर्ड्स इनटू नाउन्स, फॉलोइंग सफिक्सेस आर एडेड। ओके, इन वर्ड्स को अगर हम नाउन में कन्वर्ट करेंगे, तो इन्हें फॉलोइंग सफिक्स ऐड करने के बाद ये वर्ड कैसे होंगे। तो फॉर एग्जांपल पेंट, पेंट को हमें नाउन में फॉर्म अप करना है, तो इन्हें क्या सफिक्स जोड़ना होगा, तो वो है ईआर। सो यहां पे आप देख सकते हैं ईआर, ये सफिक्स यहां पे ऐड करने के बाद पेंटर ये वर्ड फॉर्म अप हुआ है। ओके, डॉम एंड किंग, सो डॉम किंग नहीं हो सकता, सो जो मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे होगा तो वो कौन सा होगा, किंगडम। ओके, सेम इसी तरह नेस, डार्क, डार्कनेस। ओके, शिप, फ्रेंडशिप। तो इस तरह के ये सभी वर्ड हैं, ये आप देख ले सकते हैं स्टूडेंट, और इन्हें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। सेम इसी तरह यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, तो एडजेक्टिव कैसे फॉर्म अप होते हैं, सफिक्सेस आर एडेड टू कन्वर्ट अ गिवन वर्ड इनटू एन एडजेक्टिव। ओके, जैसे कि गिफ्ट, ईडी यहाँ पे सफिक्स ऐड होगा तो वो होगा गिफ्टेड। ओके, वुड के लिए ई एन सफिक्स यहाँ पे ऐड होगा तो वर्ड फॉर्म अप होगा वुडन। ओके, फुल हेल्प, हेल्पफुल। ओके, इश, रेड, रेडिश। ओके, लेस, केयर, केयरलेस। तो इस तरह के जो वर्ड है इन्हें हमें सफिक्स ऐड करने के बाद इन्हें हमें एडजेक्टिव फॉर्म अप करना होता है। ओके, नेक्स्ट सेम इसी तरह आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स है, जैसे कि एग्नी एंड इज मतलब एग्नोइज। ओके, ब्रॉड इन मतलब ब्रॉडन। ओके, ऑफिस एट मतलब ऑफिशिएट। सिंपल आई एफ वाई है तो यहाँ पे है सिंप्लीफाई। ओके, यहाँ पे ई जो है वो कैंसिल करने के बाद आई एफ वाई यहाँ पे सफिक्स ऐड हुआ है। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। ओके, क्विक, क्विकली, हाई, हायर। ओके, तो इस तरह के सफिक्स हमें ऐड करने हैं स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल एंड इजी है। आई होप कि ये आपको आसानी से आ जाएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स है ये आपके पहले भी स्कॉलरशिप एग्जाम में हो चुके होंगे। तो यहाँ पे इस जो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स पे आधारित कुछ क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड ट्रैम्प। ट्रैम्प के लिए हमें जो गिवन एडजेक्टिव है
इसके लिए हमें क्या यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 and 2 इज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रियम्फ एंड 3 and 4 इज नॉट अ करेक्ट एडजेक्टिव। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड सोशल। सोशल के लिए हमें करेक्ट नाउन फॉर्म जो है वो सिलेक्ट करना है, तो वो कौन सा होगा? द करेक्ट नाउन फॉर्म ऑफ सोशल इज सोसाइटी। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ रहे हैं स्टूडेंट आप? नेक्स्ट है पिक आउट द सफिक्स दैट विल फॉर्म नाउन्स फ्रॉम ऑल द गिवन वर्ड्स प्रोड्यूस रेसोल्यूट मॉडरेट एंड एजुकेट। तो इसके लिए हमें करेक्ट नाउन फॉर्म कौन सा सफिक्स ऐड करना होगा जो कि नाउन फॉर्म होगा। प्रोड्यूस के लिए प्रोड्यूस मतलब क्या होता है, तो प्रोड्यूस को हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, रिजोल्यूट के लिए रिजोल्यूशन कर सकते हैं, मॉडरेट के लिए मॉडरेशन हो सकता है एंड एजुकेट के लिए एजुकेशन हो सकता है। तो इसका मतलब जो करेक्ट सफिक्स होगा वो होगा TION। ओके, क्योंकि प्रोड्यूसशिप नहीं हो सकता, प्रोड्यूसमेंट नहीं हो सकता, प्रोड्यूस जॉब भी नहीं हो सकता, ओनली प्रोडक्शन इज द करेक्ट नाउन फॉर्म होता है। सो इसलिए हमने TION यहाँ पे सिलेक्ट किया है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज इन द एडजेक्टिव फॉर्म। अभी इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो एडजेक्टिव फॉर्म में है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4 स्कोलास्टिक इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ स्कूल वेयर एज ऑल अदर आर नाउन फॉर्म्स। ओके, जो अदर वर्ड्स है ये नाउन है, स्कूल स्कॉलरशिप एंड स्कॉलर, ओनली ऑप्शन नंबर 4 स्कॉलास्टिक ये एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट पेयर ऑफ नाउन फॉर्मेशन। तो इसमें इनकरेक्ट पेयर हमें चूज करना है जो नाउन फॉर्मेशन में है, तो वो कौन सा है? अगली अगलीनेस इज द करेक्ट। ओके, गवर्नमेंट करेक्ट, ब्यूटी ब्यूटीफुल, वाइज विजडम। सो यहाँ पे द पेयर ऑफ ब्यूटी एंड ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव फॉर्म। ओके, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये एडजेक्टिव फॉर्म में है और बाकी के जो पेयर है वो सब क्या है, वो नाउन फॉर्म में है। ओके, सो अब आई होप स्टूडेंट कि ये आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, बाकी के जो पेयर है ये इनकरेक्ट पेयर है, ओनली जो ऑप्शन नंबर 3 है ये एडजेक्टिव फॉर्म है। ओके, सो स्टूडेंट ये थे फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स जो मैंने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट आपको करना क्या है कि ये सभी जो क्वेश्चंस है ये आप सॉल्व करेंगे और इनके आंसर्स मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं आपको रिप्लाई दूंगी और आपको बताऊंगी कि आपके जो आंसर्स है वो सही है या गलत है। क्योंकि स्टूडेंट अभी आपकी एग्जाम आने वाली है, सो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होने के लिए ये मैंने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए है। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आपके कुछ डाउट रहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।